डिराइव करेंगे और उस शॉर्ट फॉर्म से जो है फिर हम निकालेंगे कैलकुलेशंस को। बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले हमने ये देखा था, अगर हमें वी वी मैक्स के फॉर्म में दिया हो तो सबस्ट्रेट को कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास सबस्ट्रेट का जो फॉर्मूला था, अभी कुछ देर पहले हमने सबस्ट्रेट के फॉर्मूले को जो रखा हुआ था वो फॉर्मूला क्या था, वो था सबस्ट्रेट इज इक्वल टू के एम इंटू वी डिवाइडेड बाई वी मैक्स माइनस वी। ठीक है, अब यहाँ पे वी की जगह जो है वी मैक्स की वैल्यू को रख दीजिए एक्स बाई वाई के तौर पे। तो मैं वहां पे रख रहा हूं, ये हो जाएगा के एम इंटू वी की जगह हमने रखा एक्स बाई वाई इंटू वी मैक्स, फिर डिवाइडेड बाई वी मैक्स माइनस एक्स बाई वाई इंटू वी मैक्स। आपने वी की जगह ये वैल्यू रख दी। अब वी मैक्स अगर नीचे से कॉमन ले ले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा वी मैक्स, और यहां पे जो वैल्यू बची रहेगी ऊपर की तरफ क्या रहेगी कि के एम इंटू एक्स, ठीक है ना, एक्स बाई वाई होगा डिवाइडेड बाई वाई, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स बाई वाई। ये वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा के एम इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, ये आएगा एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। दिस इज द वैल्यू फॉर द सबस्ट्रेट इन द टर्म्स ऑफ के एम। ये ध्यान रखना एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स है, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज के एम के टर्म पे। अब इसी को मैं ए बाई बी के, अगर सबस्ट्रेट के एम के टर्म पे दिया रहे, मैं ए बाई बी को जो है एक्स बाई वाई पे ही रख रहा हूं कि अगर ए एक्स बाई वाई पे रिप्रेजेंट किया गया तो वी की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे v की वैल्यू के लिए फिर से वो निकालना पड़ेगा, दैट इज v मैक्स इंटू s डिवाइडेड बाई के एम प्लस s। ये इक्वेशन हम जानते हैं, इसमें s की वैल्यू को इस के एम के तौर पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, v मैक्स को एज इट इज रहने दीजिए, s की वैल्यू को लिख रहे हैं x अपॉन y इंटू के एम डिवाइडेड बाई के एम, तो यहाँ पे था ही था, ये प्लस है और s की वैल्यू है x अपॉन y इंटू के एम। सेम है, सिर्फ यहाँ पे देखिए साइन में चेंजेस हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पे वी मैक्स के तौर पे चल रहा था, यहाँ पे अब के एम के तौर पे चल रहा है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा के एम, और वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक वाई आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वी इज इक्वल टू एक्स जो है वी मैक्स के टर्म में अगर पूछा जाए तो वी मैक्स इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ये नीचे प्लस था तो वाई प्लस एक्स, नीचे माइनस था तो वाई माइनस एक्स, दैट्स द केस। समझ में आ गई बात। तो जो दो ट्रिक हमने यहां पे देखे वो दो ट्रिक आप दिमाग में रखे रहेंगे तो सेकंड्स में क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। क्या बताया मैंने ट्रिक के तौर पे, एक्सक्लूसिवली आपको ये जो ट्रिक है कहाँ पे देखने को मिलता है, कोई एक वीरेंद्र सिंह के नाम से एजुकेटर है, उन्हीं की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। ट्रिक के तौर पे हमने सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट किया, तो सबस्ट्रेट जो है इसके फॉर्म में जब हमें वी की वैल्यू जो है एक्स अपॉन वाई के टर्म में दिया गया वी मैक्स में, तो जो सबस्ट्रेट की वैल्यू हो जाएगी वो के एम इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर आपको एस की वैल्यू एक्स अपॉन वाई के एम के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है तो वहां पे आपके लिए वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो वी मैक्स इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स के तौर पे हो जाएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो कहानी एकदम फटाफट चलेगी। चलिए चलाने की कोशिश करते हैं फटाफट कहानी के तौर पे, जो लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूं, देखिएगा एकदम सेकेंड्स में। अगर वी की वैल्यू जो है वो आपसे 1/3 vmax दे दिया है, अगर 1/3 vmax दे दिया है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी km के टर्म तौर पे x अपॉन y माइनस एक्स, दैट मीन्स km 1/3 - 1, दैट मीन्स 1/2 km। ये हो जाएगा बेसिक तौर पे, हम km को दूसरे साइड में रखें, मतलब आगे के साइड में तो बेटर रहेगा लिखने में। इस फॉर्मूले में भी मैं वो चेंजेस कर दे रहा हूं कि केएम को राइट साइड में रखिए, तो दैट वुड बी बेटर टू रिप्रेजेंट एंड टू सॉल्व, वे आर टू राइट। ठीक है,
तो यहां पे के एम राइट साइड में कर दिया मैंने, और कुछ किया नहीं है। अगर आपके पास वी की वैल्यू जो होती वो 3/4 वी मैक्स होती, तो आपसे सबस्ट्रेट की वैल्यू पूछा जाता तो सीधे निकाल देते। यहां पे एक्स की वैल्यू 3 थी और वाई की वैल्यू 4, तो यहां पे सबस्ट्रेट की वैल्यू के एम के तौर पर रिप्रेजेंट करिए, तो के एम कितना हो जाएगा, 3/4 - 3, ठीक है ना, 3/4 - 3 के एम होगा। एंड यानी कि अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू जो है वो 3 KM के तौर पे चले जाए। अगर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 7/8 हो वी मैक्स के तौर पे, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये है 7, ये है 8, तो सबस्ट्रेट की वैल्यू 7/8 - 7 KM, दैट मीन 7 KM। अगर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 3/7 Vmax है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो सबस्ट्रेट के तौर पे 3/7 - 3 KM, दैट मीन्स 3/4 KM, विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आप सेकेंड्स में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वॉट हैपेंड विद दिस पर्टिकुलर मैजिक ट्रिक। अगर आप इस मैजिक ट्रिक को जो है अप्लाई करें तो आप ये कर सकते हैं वी मैक्स के साथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर वी की वैल्यू जो है 1/2 Vmax है, तो सबस्ट्रेट की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करोगे तो के एम के बराबर आएगा, ठीक है ना। दूसरा जो है ट्रिक के तौर पे देखो, मैं अब सबस्ट्रेट अगर के एम पे दिया रहे, हो सकता है कि दूसरे ट्रिक के तौर पे सबस्ट्रेट जो है वो आपको के एम के तौर पे दिया है। अब यहां पे जो है वी निकालना है वी मैक्स के तौर पे। एग्जाम्पल के लेके चलते हैं कि अगर सबस्ट्रेट की वैल्यू जो है वो है 1/3 KM, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी x/y + x Vmax, यानी कि x की वैल्यू है कितना 1, तो 1/1 + 3 4, 1/4 Vmax। सिंपल, अगर सबस्ट्रेट की वैल्यू जो है वो 2/3 KM दे दिया जाए, तो V की वैल्यू दैट शुड बी 2/, यही फॉर्मूला आ जाएगा, 2/2 + 3 Vmax, दैट मीन्स 2/5 Vmax। अगर सबस्ट्रेट की वैल्यू जो है वो 3 KM दे दिया जाए, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो, जब कोई वैल्यू जो है नीचे नहीं मेंशन है, इसका मतलब कि वहां पे नीचे 1 है, मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन जनरली 1 होता है, तो इसको आप कहीं पे भी सिर्फ एक वैल्यू, डिनोमिनेटर ना मेंशन हो, सिर्फ न्यूमरेटर हो, तो डिनोमिनेटर पे क्या होता है, एक होता है, इस वजह से आप इसको मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/3 + 1 Vmax, दैट शुड बी 3/4। अगर आपके पास जो है सबस्ट्रेट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाए KM, तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो ये हो जाएगा 1/1 + 1 Vmax, दैट इज 1/2 Vmax। यही तो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। अगर सबस्ट्रेट की वैल्यू किस तौर पे रिप्रेजेंट की जा रही है, 5/4 KM के तौर पे, तो V की वैल्यू 5/5 + 4 Vmax, ठीक है, 5/9 Vmax। क्या ये मैजिक ट्रिक आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो तालियां बजती रहनी चाहिए, ठीक है, तालियां बजती रहनी चाहिए अगर मैजिक ट्रिक समझ में आ गई है तो।